आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। नोएडा से लखनऊ जा रही आनंद विहार टर्मिनल की डबल टेकर बस में अचानक आग लग गई। बस में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से बस ड्राइवर, कंडक्टर, एक महिला और एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना करहल थाना क्षेत्र में 77 माइलस्टोन के पास हुई है, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके हादसे पर शोक व्यक्त किया है।